हेलो एवरीवन आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर हम लोग आज के लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं और पूरा चैप्टर कवर करेंगे दैट इज अकाउंट करंट इसका हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और सारी की सारी मेथड्स उसके स्टेप्स और उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूरे में यहां पर लाइव सॉल्व करके समझाऊंगा ताकि हर एक लेवल का स्टूडेंट ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने अभी तक ये चैप्टर के बारे में कुछ भी नहीं स्टडी किया कुछ भी नहीं पता है तो भी ये पूरे लेक्चर से उसको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएगी आप सब लोग बस अपने पास हमारे जो बुक है अकाउंट के वो रखे साथ में मैंने आपको व्हाट्सएप पर भी पीडीएफ भेजी है वो रखे नोटबुक पेन पेंसिल कैलकुलेटर इतनी चीजें साथ रखनी है सारी चीजों को अच्छे से समझना है ऑफलाइन में बैठे हुए हैं या जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन लाइव में बैठे हुए हैं सभी के सभी स्टूडेंट्स बुक नोटबुक पैम्पलेट पेन पेंसिल कैलकुलेटर रखे और मेरे साथ साथ एग्जाम्पल करवाऊ उसको सॉल्व करना है ताकि अच्छे से ये पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको चलिए स्टार्ट करें ऑनलाइन में थम्सअप कर देना तो हम लोग स्टार्ट कर देस इन्वॉल्व yes. हो मुझे पता चले आप थम्सअप करोगे और कुछ कंफ्यूजन है तो चैट में लिखोगे या हैंड रेस की साइन पर क्लिक करोगे ठीक है सो आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स योर ओन पर्सनलाइज हाई टेक डिजिटल क्लासेस दोस्तों सबसे पहले तो ये अकाउंट करंट क्या है उसकी बेसिक थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि एग्जाम्पल करो तो ऐसा ना हो okay, कि सिर्फ एग्जाम्पल रट लिए है तो देखो अकाउंट करंट है क्या तो अकाउंट करंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रांजेक्शन स्टेटमेंट ऑफ

जो ट्रांजेक्शन उसके साथ किए हैं उसके अकॉर्डिंग मतलब मेन चीज पर एवरेज ड्यू डेट के जैसा ही अपने को इंटरेस्ट के साथ मतलब है कि मुझे कितने इंटरेस्ट का पेमेंट करना है मैंने आपके पास से जो पैसे लिए होंगे या गुड्स परचेज किया होगा उसके लिए या मैंने आपको जो गुड्स सेल किया है या पैसे दिए हैं उसके ऊपर मुझे कितना इंटरेस्ट आपके पास से रिसीव करना है वो दोनों चीजें इंटरेस्ट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट पेबल का कैलकुलेशन दिखाता हुआ स्टेटमेंट दैट इज अवर अकाउंट करंट ठीक है इट टेक्स द फॉर्म ऑफ अकाउंट सम एडिशनल कॉलम्स फॉर ड्यू डेट नंबर ऑफ डेट्स इंटरेस्ट और प्रोडक्ट एंड लाइक ये हम लोग आगे अभी टेबल में डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टेबल में कौन कौन से कॉलम आते हैं ऑल द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू द डेट मतलब डेट के हिसाब से डेट के सीक्वेंस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जिसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में ये चीज मैंने आपको कही थी कि ट्रांजेक्शन को डेट की सीक्वेंस में लिखते उसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इट इज इनफैक्ट ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग आपको पता होना चाहिए डेटर्स लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर क्रेडिटर की बुक में ध्यान से समझ रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर एग्जाम्पल के टाइटल बनने वाले हैं अगर आपने टाइटल गलत समझा तो फिर पूरा एग्जाम्पल का कैलकुलेशन उल्टा हो जाएगा तो ये अकाउंट करंट क्या है क्रेडिटर की बुक में लेजर किसका बनेगा Dater का। तो बुक्स ऑफ क्रेडिटर ठीक है अब ये कुछ अलग अलग ट्रांजेक्शन है जिसमें ये अकाउंट करंट यूज हो सकता है ये आप लोग पढ़ सकते हो रेफरेंस के लिए नॉलेज के लिए इसका डिटेल वीडियो सास एप्लीकेशन पर रखा है बट

कंसाइनर एंड कंसाइनी अभी ये पूरा चैप्टर ही अलग है ये आपको कंसाइनमेंट अकाउंट नाम का चैप्टर आएगा उसमें पता चलेगा कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में सिमिलरली वेंचर ये भी एक पूरा चैप्टर अलग है ये आपको आगे फर्दर स्टडी में आएगा उसके अंदर पता चलेगा कि इसके अंदर किस तरह से ट्रांजेक्शन होते हैं क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही अलग है ठीक है बट उसके अंदर भी अकाउंट करंट का इस्तेमाल हो सकता है ब्रांच अकाउंट जो होते हैं हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू द ब्रांच मतलब ब्रांच अकाउंट ये भी पूरा एक चैप्टर अलग है ब्रांच अकाउंटिंग ये भी पूरा चैप्टर अलग है उसके अंदर आपको ये चीज समझ में आएगी एंड बैंक और कस्टमर मतलब आपने जो बैंक में अकाउंट ओपन करवाया हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है पीएनबी है आईसीआईसीआई है उसमें अकाउंट ओपन करवाया हो तो उसके लिए भी अकाउंट करंट इस्तेमाल हो सकता है दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज कुछ खास काम का नहीं है अभी हम लोग मेन चीज समझते हैं पार्टीज इन्वॉल्व किस तरह से अकाउंट करंट बनता है कौन सी दो पार्टी होती है किसकी बुक में अकाउंट बनता है अगर ये गलत समझे तो फिर एग्जाम्पल गया तो खास ध्यान से समझना क्योंकि चीज है अकाउंट करंट में कितनी पार्टीज होती है टू पार्टीज वन हु रेंडर्स रेंडर्स मतलब सेंड करना प्रोवाइड करना अकाउंट करंट एंड अदर टू हुम द अकाउंट करंट इज रेंडर्ड मतलब जिसको सेंड किया है वो मतलब एक अकाउंट करंट बना के भेजने वाला और दूसरा जिसको ये अकाउंट करंट मिल रहा है वो ठीक है फिर से वन हु रेंडर्स प्रोवाइड या सेंड अकाउंट करंट और दूसरा जो वो अकाउंट करंट जो स्टेटमेंट है अकाउंट करंट मतलब वो रिसीव कर रहा है वो अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि इफ बाहुबली रेंडर्स और सेंड अकाउंट करंट टू कटप्पा देन अकाउंट करंट में जो पर्सन है देखो अकाउंट करंट ऑफ द पर्सन टू होम द अकाउंट करंट इज रेंडर्ड यानी सेंट इज इन द बुक्स ऑफ पर्सन हु रेंडर्स और अकाउंट करंट क्या बोला है ध्यान से समझना आगे हमने अभी देखा कि अकाउंट करंट में पहले पेज पे याद करो टाइटल में हमने यहां पर देखा था ये डेटर का लेजर है इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर क्रेडिटर की बुक में डेटर का लेजर अब यहां पर क्या बोला है कि कौन बनाएगा और किसको भेजेगा जो भेजने वाला होता है वो क्रेडिटर बनेगा देखो अकाउंट करंट ऑफ द पर्सन टू हुम अकाउंट करंट इज़ रेंडर्ड सेंट जिसको भेजा गया है वो इज प्रिपेड इन द बुक्स ऑफ द पर्सन हु रेंडर्स जो बनाता है वो वो भेजेगा अकाउंट करंट फिर से बोल रहा हूं क्या कहा है अकाउंट करंट किसका बनाए गए जिसको अकाउंट करंट बना के भेज रहे हैं वो जो कि नॉर्मली कौन होता है डेटर और जिसकी बुक में ये अकाउंट करंट बनाया जाता है प्रिपेयर या जो बेचता है वो उसकी बुक में अकाउंट करंट बनता है जो हमने अभी आगे देखा वो कौन होता है क्रेडिटर अब यहां पर हमने बाहुबली और कटप्पा का एग्जाम्पल लिया तो देखो बाहुबली रेंडर्स अकाउंट करंट टू कटप्पा कौन अकाउंट करंट किसको भेज रहा है बाहुबली रेंडर कर रहा है सेंड कर रहा है कटप्पा को तो अकाउंट किसका बनेगा और किसकी बुक में बनेगा बाहुबली रेंडर्स अकाउंट करंट टू कटप्पा बाहुबली अकाउंट करंट बना के भेज रहा है कटप्पा को मतलब कटप्पा का अकाउंट करंट बना है तो क्या आएगा टाइटल कटप्पा यानी कि डेटर इन अकाउंट करंट विथ बाहुबली जो कि क्रेडिटर है नाम इस तरह से लिखना होगा अगर आपने गलत लिख दिया आपने ऐसा कर दिया बाहुबली अकाउंट करंट विद कटप्पा तो पूरा ट्रांजेक्शन सारी की सारी एंट्रीज उल्टी हो जाएगी और फिर मार्क्स कट हो जाएंगे तो क्या कहा है ध्यान से समझना एक और बार फिर हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि जो अकाउंट करंट बना के भेज रहा है उसकी बुक में अकाउंट करंट बनेगा और जिसको भेजा है उसका नाम पहले रहेगा अब यहां पर हमने बोला कि बाहुबली रेंडर अकाउंट करंट टू कटप्पा रेंडर मतलब भेजना तो जिसको भेजा गया है वो उसका अकाउंट हम बना रहे तो उसका नाम पहले आएगा जिसका अकाउंट करंट बन रहा है उसका नाम आगे और जिसकी बुक में अकाउंट करंट बन रहा है उसका नाम पीछे तो यहां पर बाहुबली कटप्पा को भेज रहा है अकाउंट करंट मतलब कटप्पा का अकाउंट करंट बना है और भेजने वाले है बाहुबली तो आगे किसका नाम रहेगा कटप्पा का तो देखो कटप्पा इन अकाउंट करंट विथ बाहुबली इस तरह से टाइटल लिखना होगा कटप्पा इन अकाउंट करंट विथ बाहुबली मतलब कटप्पा के ट्रांजेक्शन हम लोग लिखने वाले हैं फ्रॉम बाहुबली एंगल क्लियर ये चीज समझ में आई अब यहां पर अकाउंट करंट की तीन मैथड है पहली दो तो एक जैसी ही है मेन तो दो मैथड है अगर ऑब्जेक्टिव एंगल से याद रखना है तो दो मैथड है एक फॉरवर्ड मैथड और दूसरी का नाम है बैकवर्ड मैथड या इसको इपोक मैथड भी कहा जाता है या रिवर्स ठीक है तो एक फॉरवर्ड मैथड मतलब आगे कैलकुलेशन करेंगे आगे डेज में जाएंगे और दूसरी होती है रिवर्स मैथड मतलब पीछे आएंगे बैकवर्ड होगा जिसको हम कहते हैं इपोक मैथड चांसेस इसके ज्यादा होते हैं एग्जाम और फॉरवर्ड मैथड में अगर हम देखें तो अगेन पहली मेथड में दो टेक्निक एक प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन मेथड मेथड या जिसको इंटरेस्ट भी कहते हैं हर एक का इंटरेस्ट हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैं आपको हर एक मेथड के एग्जाम्पल करवाने वाला हूं और दूसरा है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मैथड दूसरा नाम है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मैथड जिसमें जो कॉलम है एक कॉलम इंटरेस्ट की जगह पर प्रोडक्ट का हो जाएगा बाकी सारे कॉलम एज इट इज होंगे एक कॉलम में चेंज होगा जो हम अभी टेबल में समझेंगे ठीक है ये डिफरेंस रहने वाला है टेबल में ठीक है इंटरेस्ट मेथड में इंटरेस्ट का कॉलम आएगा प्रोडक्ट मेथड में प्रोडक्ट का कॉलम आएगा और दूसरा इसी के अंदर जो कैटेगरी ये दो को हम एक ही कैटेगरी में डालेंगे और दूसरा है रेड इंक इंटरेस्ट मेथड पहला इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन मेथड या इंटरेस्ट मेथड उसी का दूसरा पार्ट है बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड और तीसरा रेड इंक इंटरेस्ट मेथड ये सब फॉरवर्ड मेथड में आएगा और बैकवर्ड मेथड में ऐसा कोई सेपरेट फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है उसमें एक ही है बैकवर्ड मेथड क्लियर यहां तक की चीजें सबको समझ में आई है पक्का ऑफलाइन ऑनलाइन आपकी कसम तुम्हारा सम समझ में तो कर जो कारण के एक जगह पर बैठ जाओ और अच्छे से फोकस करना ऑनलाइन लाइव वाले ऑफलाइन वाले, वाले तो यहाँ पर ध्यान रखी रहे बस जो बातें कर रहे हैं वो बातें ना करें चलिए तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मेथड के स्टेप और फिर हम उसका एग्जाम्पल करेंगे पहले स्टेप समझेंगे और फिर उसका एक एग्जाम्पल करेंगे पहले इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन करते हैं फिर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का करते हैं फिर का रेडिंग है, का है। काम के नहीं है चलिए तो सबसे पहला प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट करंट बाय इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन मेथड याद रखना आपको एग्जाम में इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन मेथड या इंटरेस्ट मेथड ऐसा बोला हो तो स्पेसिफिकली यही मेथड इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर ऐसा बोला है कि अकाउंट करंट बनाओ कोई मैथड स्पेसिफिक नहीं बोली है तो फिर आपकी मर्जी के आपको ये इंटरेस्ट मैथड करना है या प्रोडक्ट मैथड करना है फिर माई लाइफ माई रूल्स ये प्रिंसिपल अप्लाई हो जाएगा पर अगर बोल दिया है स्पेसिफिकली इंटरेस्ट मेथड या इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मेथड तो अपने को कंपलसरी यही मेथड लगानी पड़ेगी तो सीखना दोनों ही पड़ेगा क्योंकि एग्जामिनर क्या करेंगे वो हमें नहीं पता है हा हाई पॉसिबिलिटी ये है

पर्सन हु रेंडर्स जो जो आगे डिस्कस कर लिया अकाउंट अकाउंट करंट करंट विल अपीयर लेटर बना तो कौन भेज रहा है उसका नाम पीछे बाहुबली किसको बना के भेज रहे उसका नाम आगे कटप्पा फिर से यहां पर एक और एग्जाम्पल एक्स रेंडर्स अकाउंट करंट टू एक्स अकाउंट करंट Y को बना के भेज रहा है तो जिसको भेजा जा रहा है उसका नाम आगे जो कि यहां पर कौन है तो वाई फिर ये लाइन कॉमन, टाइटल किसी को कोई कंफ्यूजन है देखो मैं एक एक स्टेप करके जा सारे स्टेप्स आपने बोल दिया सर, हम 100 clear, मतलब फिर कोई भी एग्जाम्पल आने दो हम जो एक, एक एक्साम्पल करें रिविजन में वही एग्जाम्पल एग्जाम में दिखे जरूरी नहीं है बट Steps तो वही करना है। है, है। हो हो सकता है, amount change हो सकती है। उसके अलावा और कुछ change करने के लिए है है। है है। ही नहीं। तो तो कुछ भी आ सकती है। तो हर एक एक को को में में करते जाओ। चलो पहला step, किसी को कोई confusion है, टाइटल में, चलो पहला किसी कोई हुआ मुनिरा आपने hand raise किया है। चैट में लिख दो कोई confusion है तो जल्दी से अगर गलती से हुआ है तो हैंड डाउन कर दो थम्सअप कर देना जगह पर अगर हो गया है, तो थम्सअप कर देना फिर से एक बार ध्यान से समझ लो फिर से एक डाउट आया ऑनलाइन में कि सर टाइटल कैसे देना है ये समझ में नहीं आया है आई थिंक आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं है जहां पर भी आप पढ़ने के लिए जाते हो तो थोड़ा पहले से अच्छे से पढ़ते रहो यहां पर ध्यान रखो क्या बोला है जिसका अकाउंट करंट बन रहा है उसका नाम आगे और जो अकाउंट करंट बना के भेज रहा है उसका नाम पीछे अभी तो स्टेप्स ही कर रहे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा अभी टेबल इंपॉर्टेंट चीज स्टेप नंबर टू टेबल कैसे ड्रॉ करना है तो टेबल के लिए आपको पेज पहले बीच में से फोल्ड कर देना है मतलब फॉर ये आपकी नोटबुक है के तौर पर तो नोटबुक में इंक्लूडिंग मार्जिन आप पेज को ऐसे सेंटर से फोल्ड कर दोगे ताकि आपको एक सेंटर क्रीज लाइन मिल जाए आप साथ में ही टेबल ड्रॉ करते ही जाओ क्योंकि अभी इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें काम लगने ही वाला है तो पेज को बीच में से सेंटर में से फोल्ड कर देंगे और एक सेंटर लाइन आ जाएगी चलिए मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाता हूं ये मान लेते हैं कि यहां पर पेज को हमने सेंटर से ड्रॉ फोल्ड किया ड्रॉ करके ही दिखाता हूं फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल स्केल का इस्तेमाल करोगे सेंटर में से एक सेंटर लाइन ड्रॉ करनी है आपको एक ही करनी है मेरे पास फोल्ड नहीं है इसलिए मैंने डबल लाइन की ठीक है ये पहले इस तरह से सेंटर लाइन ड्रॉ करोगे उसके बाद कौन कौन से कॉलम आएंगे इसको माइंड में फिट कर दो तो सबसे पहला आएगा डेट अगर ड्यू डेट दिया है सीधा तो सीधा ड्यू डेट अदरवाइज आपको मोस्टली ट्रांजेक्शन डेट या बिल डेट देखने को मिलेगी ठीक है तो डेट अब ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकती है या डेट ऑफ बिल हो सकती है देन सेकंड कॉलम पर्टिकुलर थर्ड ड्यू डेट या तो एग्जाम्पल में दी होगी या हिंट दी होगी मतलब टेन्योर दिया होगा और हम ड्यू डेट फाइंड आउट करेंगे तो डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट छोटे कॉलम ये कॉलम थोड़ा बड़ा ये स्मॉल कॉलम ये एवरेज कॉलम ये स्मॉल कॉलम ये डेज नंबर ऑफ डेज स्मॉल कॉलम अमाउंट एग्जाम्पल में दी होगी स्मॉल कॉलम अमाउंट के लिए भी स्मॉल कॉलम तो आपको छह कॉलम लेफ्ट साइड पर और इसी तरह से कॉलम राइट साइड पर बनाने हैं जो कि दोनों ही इक्वल साइज के होने चाहिए ठीक है डेट पर्टिकुलर ड्यू डेट फिर आएगा डेज अमाउंट एंड इंटरेस्ट और याद रखना ये वाला जो है ये अभी हम इंटरेस्ट मेथड कर रहे हैं इसलिए जब हम प्रोडक्ट मेथड करेंगे ना तो सिर्फ ये नंबर का कॉलम जो इंटरेस्ट वाला है उसकी जगह पर हो जाएगा प्रोडक्ट चलिए ड्रॉ करते हैं ये पहले डेट ऑफ ट्रांजेक्शन डेट का कॉलम फिर पर्टिकुलर का कॉलम छोटा बड़ा मतलब बाकी के कंपैरिजन में फिर ड्यू डेट फिर डेज फिर अमाउंट एंड प्रोडक्ट क्लियर डेट पर्टिकुलर्स ड्यू डेट डेज अमाउंट प्रोडक्ट अब इसी तरह से कॉलम राइट साइड पर डेट ऑफ ट्रांजेक्शन पर्टिक्यूलर ड्यू डेट डेज अमाउंट प्रोडक्ट अभी ये टेबल ड्रॉ करने के साथ एक कॉमन कंफ्यूजन जो रहता है वो ध्यान से समझ लो कुछ स्टूडेंट्स को ये दिक्कत हो जाती है कि सर मेरा एक ही पेज पे ये कॉलम आ नहीं रहा है पूरा टेबल बन नहीं रहा है तो मैं क्या करूं ऊपर नीचे कर दू क्या तो नहीं ऊपर नीचे नहीं करना है सबसे पहले तो कोशिश करोगे कि एक ही पेज में आ जाए बट फिर भी कोई स्टूडेंट को ऐसा है कि सर मेरे हैंडराइटिंग बचपन से ही मेरी हैबिट है कि बड़े फॉन्ट है अब मैं छोटे करने चाहता हूं तो वो सेट नहीं हो रहा है मैं खुद कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूं तो उस केस में आप क्या करो साम सामने वाले पेज आए ना वैसा उस तरह से करो मतलब फॉर एग्जाम्पल यहां पर लेफ्ट साइड और राइट right साइड सामने कॉलम यहां पर छह कॉलम यहां पर सर मैंने जो एग्जाम्पल किया इसके पहले वाला वो यहां पर खत्म हुआ था और ये पेज बाकी था तो मैं एक यहां पर और एक पीछे कर दू तो चलेगा या छे कॉलम ऊपर छे कॉलम नीचे कर दू तो चलेगा नहीं ऊपर नीचे तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा और आगे पीछे भी नहीं चलेगा क्योंकि आपके लिए टोटल बैलेंस करना डिफिकल्ट हो जाएगा वो जरूरी है कि या तो एक ही पेज पे हो या आमने सामने हो तो ही आप टोटल और बैलेंस प्रॉपरली कर पाओगे तो ये कंफ्यूजन को ध्यान रखना कि ऊपर नीचे नहीं करना है या आगे पीछे के पेज में नहीं करना है अगर किसी को एक पेज में सेट नहीं हो रहा है तो साम सामने वाले पेज का इस्तेमाल करेंगे डन फिर से एक बार माइंड में टेबल फिट कर दो सबसे पहले टाइटल लिखोगे उसके बाद डेट फिर पर्टिकुलर फिर ड्यू डेट फिर डेज अमाउंट इंटरेस्ट या प्रोडक्ट वाली मेथड में सिक्स नंबर का इंटरेस्ट की जगह पर हो जाएगा प्रोडक्ट चलिए अभी आगे क्या होगा तो स्टेप नंबर थ्री रिकॉर्ड एवरी ट्रांजेक्शन अकाउंट करंट ऑन द द डेबिट डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट साइड ऑफ ऑफ अकाउंट अकाउंट एज पर रूल्स एंड अब करंट में लेफ्ट साइड हमने रखी है छह कॉलम डेबिट साइड राइट साइड पर छह कॉलम है जो कि है क्रेडिट साइड अब उसको जो भी ट्रांजेक्शन हमें एग्जांपल में दिए होंगे उसको डेबिट या क्रेडिट साइड पर लिखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अभी अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि, सर, मेरे को हो जाता है कि कौन सा ट्रांजेक्शन द जर्नल एंट्री फॉर एवरी ट्रांजेक्शन कैसे पता करना है कि कौन सा ट्रांजेक्शन डेबिट होगा क्रेडिट होगा वो मैं क्लियर कर रहा हूँ कि हर एक ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री सोचो जो, जो बहुत सिंपल है एंड इफ द पर्सन टू हुम द अकाउंट करंट इज रेंडर मतलब हमारे कस्टमर का नाम जिसका नाम हमने पहले लिखा है ना उसकी बात हो रही है फर्स्ट नेम क्योंकि उसका अकाउंट करंट है तो उसके नजरिए से सोचेंगे ठीक है हमने लिखा था कटप्पा इन अकाउंट करंट विध बाहुबली तो हमें कटप्पा क्या हो रहा है जर्नल एंट्री में यह सोचना है फॉर एग्जाम्पल हमने कटप्पा के पास से गुड्स खरीदे थे खरीदे थे परचेस तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कटप्पा अकाउंट तो कटप्पा का अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट तो क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे ये जो हमने टेबल ड्रॉ किया है उसमें क्रेडिट साइड पर लिखेंगे यहां पर अगर मैंने कटप्पा को मतलब बाहुबली ने कटप्पा को गुड्स क्रेडिट पर बेचा है तो बाहुबली जर्नल एंट्री लिखेगा कि भाई गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू कटप्पा तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी उसकी कटप्पा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो कटप्पा का अकाउंट क्या हुआ तो उस ट्रांजेक्शन को कहां पर रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर तो अपने को क्या करना है पता करने के लिए कि कौन सा ट्रांजेक्शन पर रिकॉर्ड होगा या कौन सा क्रेडिट साइड पर जर्नल एंट्री सोचेंगे जर्नल एंट्री में जो कस्टमर है मतलब जिसका नाम हमने पहले लिखा है वो डेबिट हो रहा है तो करंट अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे अगर वो क्रेडिट हो रहा है तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर पोस्ट करेंगे क्लियर अब The अकाउंट क्रेडिट हुआ जर्नल एंट्री में जो मैंने तो तो क्या है हर एक ट्रांजैक्शन को लिखना है ठीक है डेबिट या क्रेडिट साइड पर ऑन डेबिट और क्रेडिट साइड राइट अब जो लिखना है वो कैसे लिखेंगे तो पहले डेट लिखेंगे फिर पर्टिकुलर्स लिखेंगे ड्यू डेट एंड अमाउंट नाउ ड्यू डेट अगर एग्जाम्पल में दे दी है तो सीधी वो ड्यू डेट लिखेंगे बट अगर ड्यू डेट एग्जाम्पल में ना दी हो तो क्या करेंगे तो देखो फाइंड द ड्यू डेट एज पर द इंस्ट्रक्शन राइट द ड्यू डेट मेंसन इन एग्जाम्पल पहले तो अगर एग्जाम्पल में दे दी है तो एंड इफ नथिंग इज मैंसन फॉर द ड्यू डेट ध्यान से हो देन देडर द ट्रांजेक्शन डेट एज द ड्यू डेट अगर ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट दे दी है जो लिखा होगा हम अभी एग्जाम्पल करेंगे तो ड्यू डेट में वो डेट लिख देंगे जो एग्जाम्पल में रेडीमेड अपने को दी है और अगर कुछ ना कहा हो तो फिर उस केस में क्या करेंगे जो ट्रांजेक्शन डेट है जो कि पहले कॉलम में हमने डेट लिखी होगी उसी को हम ड्यू डेट समझ के लिख देंगे क्लियर पहले चार स्टेप क्लियर हुए अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो यहीं पे होती है फाइंड आउट नंबर ऑफ डेज अगर ये सही तो फिर पूरा एग्जाम्पल सही ठीक है अभी इंटरेस्ट मेथड से करो या प्रोडक्ट मेथड से करो जो भी है इस एग्जाम्पल का हार्ट कोर एरिया नंबर ऑफ डेज फाइंड आउट करता है देखो डेज कहां से कहां तक के फाइंड करने हैं फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन टू द डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट अब ये डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट है ना वो एग्जाम्पल में दे दिया होगा अकाउंट करंट कौन सी डेट का बनाना है वो एग्जाम्पल में दे दिया होगा तो हमें ड्यू डेट से लेके अकाउंट करंट की डेट तक का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है क्लियर अभी देखो एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अब यहां पर नंबर ऑफ डेज में जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है गलती हो जाती है कि कौन सा दिन लेना है कौन सा दिन इग्नोर करना है तो ये भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूं एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग द डेट ऑफ रेंडरिंग बी कंसिडर मतलब जो अकाउंट करेंट जिस डेट का हम लोग बना रहे हैं उस दिन को कंसिडर करेंगे ठीक है फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ फेब्रुआरी को ट्रांजेक्शन हुआ है तो पांच फेब्रुआरी को कंसिडर नहीं करेंगे सिक्स फेब्रुआरी ऑनवर्ड से कैलकुलेशन स्टार्ट होगा और अकाउंट करंट रेंडर हो रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च का तो थर्टी फर्स्ट मार्च के दिन को कंसिडर करेंगे हम आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा याद क्या रखोगे ड्यू डेट कंसिडर नहीं करनी है और जो डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट है उसको कंसिडर करना है ठीक है फॉर फाइंडिंग डेज फॉर अब ये ध्यान रखना है

तो सर अभी वो फिफ्थ फैब आपने कंसीडर नहीं करने के लिए बोला तो पहली फैब भी कंसीडर ना करें ना नहीं पहली फेब्रुआरी ओपनिंग बैलेंस दिया है तो ओपनिंग बैलेंस मतलब दिन की शुरुआत से तो ओपनिंग तो वो ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस बैलेंस हो वो की डेट भी गिननी है डेज में एंड डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट ये दोनों गिनने हैं क्लियर बाकी के सब ट्रांजेक्शन में जो ड्यू डेट है उसको छोड़ देंगे अभी एग्जाम्पल करेंगे तो और चीजें क्लियर होगी अभी ये सिर्फ पॉइंट माइंड में फिट रखो कि क्या क्या चीजें याद रखनी है कि ओपनिंग बैलेंस के केस में ओपनिंग बैलेंस की डेट से लेके डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट ये सभी दिन कंसिडर हैं अगर दूसरे ट्रांजेक्शन है ओपनिंग बैलेंस को छोड़ के तो उनके केस में ड्यू डेट जो होगी उसको कंसिडर नहीं करेंगे उसके बाद वाले दिन से लेके डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट तक के दिन हम कंसिडर करेंगे नाउ की भी, and date of सिर्फ रखना है कि कितने कौन से महीने में कितने दिन है तो गलती नहीं होगी अब अब डेज फाइंड आउट कर लिए तो फाइंड द इंटरेस्ट फॉर ईच ट्रांजेक्शन अब ये सिक्स नंबर का जो स्टेप है ना यहां से इंटरेस्ट मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड में डिफरेंस होता है प्रोडक्ट मेथड में यहां पर प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं इंटरेस्ट मेथड में यहां पर इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे तो जो अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन एग्जांपल में दे दिया होगा वो लेंगे पर हर एक ट्रांजैक्शन की अमाउंट अलग-अलग होगी इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी एग्जांपल में दे दिया होगा एंड इनटू ये हमने ऊपर ढूंढ लिया नंबर ऑफ डेज

Decimals है। सारी की सारी सारी की चीजें चीजें जो आपको एक के के लिए perfect, complete करने के लिए करने ध्यान रखनी चाहिए, वो छोटी छोटी से छोटी चीज़ मैं पर कवर कर रहा हूं। कोई भी भी का होगा ना, बस ये ये को डेढ़ दो घंटे अच्छे से समझ लेता है, ये chapter आप lifetime कभी भी नहीं भूलोगे। अब हमने interest तो find out कर लिया अब क्या करेंगे इंटरेस्ट का कॉलम का होगा उसका टोटल करके बैलेंस फाइंड आउट करेंगे बाकी सो एंड ट्रांसफर इट ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ अमाउंट कॉलम जो इंटरेस्ट के कॉलम का डिफरेंस आएगा उसको सपोज क्रेडिट साइड पर डिफरेंस आया तो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करेंगे डेबिट साइड पर अमाउंट के कॉलम में और अगर इंटरेस्ट कॉलम का डिफरेंस डेबिट साइड पर आया तो उसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड के अमाउंट के कॉलम में एंड लास्ट

तो वो हम अभी बाद में करते हैं पहले इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं चलिए अभी हम लोग इसी मैथड को सीखने के लिए हमारे यूनिवर्सिटी का ही एग्जाम्पल करते हैं ध्यान से समझना ताकि टाइटल में कोई भी गड़बड़ी ना हो देखो क्या कहा है द फॉलोइंग आर द सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन राम एंड श्याम देखो दो पार्टी हो गई फॉर थ्री मंथ्स

राम और श्याम दो चीजें यहां पर दिया हुआ है फॉलोइंग्रांजेक्शन बिटवीन राम एंड श्याम देखो सर यहां पर किसने किसको सबमिट करवाया ऐसा तो दिया ही नहीं है सर ये तो गड़बड़ी की बात हो गई आपने तो बोला था कि राम अकाउंट करंट रेंड करता है श्याम को या श्याम रेंडर्स अकाउंट करंट टू राम ऐसा कुछ होगा यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं दिया है तो दिमाग चल रहा है क्या लिखा है यहां पर देखो बुक किसकी है बुक ऑफ राम जिसकी बुक होती है उसके अंदर ऑपोजिट पार्टी का अकाउंट बनता है यह हमें क्या दिया है राम की बुक में दिया है तो अकाउंट करंट किसका बनेगा श्याम का दिमाग चल रहा है समझ में आया देखो अकाउंट करंट में दो पार्टी होती है एक की बुक में अकाउंट करंट बनाया जाता है और वो रेंडर करता है सामने वाली पार्टी को अब यहां पर कौन किसको रेंडर करता है ये नहीं बोला है बट ऐसा बोला कि भी राम की बुक की एंट्री है तो राम की बुक में श्याम का ही अकाउंट करंट बनेगा तो टाइटल क्या आएगा श्याम इन अकाउंट करंट विथ राम तो लिखो श्याम इन अकाउंट करंट विथ राम टू कौन सी डेट है डेट देखो एग्जाम्पल में थर्टीथ जून एट इंटरेस्ट रेट कितना है टेन परसेंट तो यहां पर टाइटल लिखेंगे श्याम इन अकाउंट करंट विथ राम अप टू 30th जून 2022 एट 10 परसेंट एन इंटरेस्ट रेट भी वहीं पर लिख देना है ताकि कंफ्यूजन ना रहे टेबल तो ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। मैंने आपको जब फॉर्मेट समझाया तभी बोला कि टेबल ड्रॉ कर दो उसी में हम एग्जांपल की प्रैक्टिस कर देंगे अभी ध्यान से समझो पहला क्या दिया है ओपनिंग बैलेंस राम की बुक में ये श्याम का ये सब कुछ श्याम का है श्याम का कौन सा बैलेंस दिया है कौन सा बैलेंस दिया है देखो ओपनिंग बैलेंस है पर डेबिट या क्रेडिट क्रेडिट है तो कहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड पर ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट ओपनिंग डेबिट बैलेंस होता तो डेबिट तो यहां पर लिख देंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड पर क्रेडिट साइड पर डेट कौन सी है डेट कौन सी है ओपनिंग बैलेंस है फर्स्ट अप्रैल 2022 सर यार तो दिया नहीं हमको थर्टीथ जून तक बनाने के लिए बोला है ट्वेंटी तक का तो फर्स्ट अप्रैल 2022 थाउजेंड यहां पर डेट के कॉलम में लिखोगे बाय क्रेडिट है इसलिए बाय डेबिट साइड पर होता तो टू बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन या बाय ओपनिंग बैलेंस अब इसकी ड्यू डेट दी है एग्जाम्पल में देखो तो देखो तो दिया है

पहली अप्रैल को भी कंसिडर करेंगे तो यहां पर आप नीचे एक वर्किंग नोट लिखो वर्किंग नोट लिखो पहला ट्रांजैक्शन है उसके लिए मतलब टेबल वेबल ड्रॉ नहीं करोगे तो चलेगा वर्किंग नोट फॉर नंबर ऑफ डेज फर्स्ट अप्रैल 2022 ड्यू डेट भी इसकी तो फर्स्ट अप्रैल 22 ही निकली और अप्रैल से लेके हमको कहां तक जाना है तीस जून तक जाना है अब टू थर्टी जून तो चलो अप्रैल 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 पहली अप्रैल तो पहली डेट को कंसिडर करेंगे ओपनिंग बैलेंस है तो नहीं बूट का तो बोला कि ओपनिंग बैलेंस हो तो पहली डेट को कंसिडर करने की तो पहली अप्रैल को कंसिडर करेंगे तो पहली अप्रैल के साथ मिला के अप्रैल महीने में टोटल कितने दिन होते हैं अप्रैल महीने में तीस दिन होते हैं फिर तीस जून तक जाना है तो अप्रैल के बाद कौन सा महीना मई महीने में कितने 31. और जून महीने की कौन सी डेट तक ये अकाउंट करंट बनाना है अपने को कि रेंडर अपटूटीन जून पंद्रह जून तक तो यहां पर पंद्रह लिखते हैं पांच जून तक होता तो जून महीने के पांच दिन ठीक है ये चीज ध्यान रखना अभी हम क्या करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर टोटल डेज देख लो थर्टी प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी कितने हो गए कितने हो गए डेज 91 वन तो यहां पर टोटल नाइन्टी वन डेज टोटल नाइन्टी वन टोटल डेज ये समझ में आया सबको पक्का नहीं समझ में आया फिर से समझ लो फिर से समझ लो एक बार समझना है

अप्रैल महीने में टोटल कितने दिन तीस इसलिए यहां पर लिखा तीस आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो जैसे जैसे ग्रीप आती जाए कैलकुलेटर पर करता वर्किंग ना लिखो तो चलेगा ठीक है इसके मार्क्स नहीं होते फिर अप्रैल के बाद तीस जून तक जाना है तो बीच में मई महीना आएगा तो मई महीने में टोटल कितने दिन थर्टी वन ना याद तो जनवरी फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मे टेकरा पर आए हुए एकत्रिस दिवस करोड़ कोई बात नहीं के थर्टी वन और फिर जून महीने की कौन सी डेट तक का है ये थर्टी जून तो जून महीने के तीस दिन तो तीस पंद्रह जून होती है पंद्रह तो लिखते दस जून लिखी होती तो दस लिखते अब क्या करेंगे तीस प्लस इकतीस प्लस तीस टोटल कितने हो गए नाइनटी वन बोलो समझ में आया पक्का तुम्हारा सम मारा नहीं ला सो तुम ऊपर पहुंचाड़ी तो अभी अपने को क्या करना है इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है

पांच से बड़ा डिजिट होता तो हम इसको 699 कर देते पर यहां पर देखो पॉइंट के बाद जीरो है पांच से छोटा है तो पॉइंट के बाद इग्नोर कर दो तो अमाउंट कितनी आई 698 अगर ऐसा कुछ ना कहा होता तो हम पॉइंट के बाद दो डिजिट को लेते तो 698.08 फिर तीसरा डिजिट पांच से बड़ा होता तो 09 कर देते 5 से छोटा होता तो 08 पर यहां पर अपने को पहले ही बोल दिया है कि नियरेस्ट अमाउंट में ले लेना है पॉइंट में जाना ही नहीं है ये एग्जाम्पल में ही अपने को बोला हुआ है है देखो देखो में रखना नहीं है। इसलिए हमने ऐसा किया समझ में आ रहा है में और ये ना कहा हो तो पॉइंट के बाद दो डिजिट को लेना होगा पक्का लोगे ससुना समी तो जाए तो ये सारो आनंद लागे नहीं चलो पहला ट्रांजेक्शन सबने लिखा सबको यहां तक समझ में आया अभी सेकंड ट्रांजैक्शन, ये वाला ट्वेल्थ परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम श्याम के पास से गुड्स परचेस करे जर्नल एंट्री सोचो जर्नल एंट्री सोचो क्या होगा श्याम के पास से गुड्स परचेस किए जर्नल एंट्री क्या होगी हम लोग राम है ठीक है जिसकी बुक में है वो हमें बन जाना है हम लोग राम है तो हमारी बुक में हमारा नाम तो कभी भी नहीं आता है तो अभी राम की बुक में मतलब हमारी बुक में हमें हमारे राम के एंगल से सोचना है कि हमने श्याम के पास से गुड्स खरीदे तो जर्नल एंट्री क्या होगी परचेस अकाउंट डेबिट चलो मैं यहां पर आपको लिखवाई देता हूँ छोटे बच्चे हो छोटी बच्ची हो क्या ऐसा ही सोच के परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट अभी बोलो श्याम का अकाउंट यहां पर क्या हुआ जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुआ तो करंट अकाउंट में कहा रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर ट्वेल्थ अप्रैल तो यहां पर आप एक लाइन ड्रॉप करो ऐसा कंपलसन नहीं है बट आपको देखने में इजी रहे इसलिए मैं यहां पर ड्रॉप कर रहा हूं आपको ड्रॉप करना है तो भी कर सकते हो नहीं ड्रॉप करना है तो भी बाय परचेज अकाउंट अभी देखो एग्जाम्पल में ड्यू डेट दी है ड्यू डेट दी है अभी इसी एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करना है ना तो यहां पर दे देंगे ड्यू डेट फॉर एग्जांपल 22 अप्रैल सपोज ऐसा दे दिया सपोज तो सपोज 22 अप्रैल ड्यू डेट दी हुई है एग्जांपल में लिख के ही देंगे तो क्या लिखते हैं यहां पर ड्यू डेट में 22 अप्रैल अगर हमको ड्यू डेट लिख के दी होती तो यहां पर वो ड्यू डेट लिखते 22 अप्रैल यहां पर अपने को नहीं दिया है नहीं दिया है तो जो ओरिजिनल डेट है 12 अप्रैल उसी को हम लोग यहां पर लिखेंगे चलो मैं इसको भी पहले इरेज कर दूं क्योंकि ये है नहीं एक्चुअली में ये आपको मैंने समझाने के लिए बताया प्रोबेबल क्या चेंजेस हो सकते हैं एग्जाम्पल में ये भी मैं आपको साथ में ही गाइड कर रहा हूं ताकि एग्जाम में आपको कुछ भी पूछे ऐसा ना हो कि अपने को नहीं आता है सब कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं तो बारह अप्रैल अब 12 अप्रैल से लेके 30 जून तक का ड्यूरेशन फाइंड आउट करना है ठीक है ये सेकंड ट्रांजैक्शन 12 अप्रैल वाला अभी ध्यान से समझना ध्यान से समझना अब 12 अप्रैल को कंसीडर नहीं करेंगे सिर्फ ओपनिंग बैलेंस में पहली डेट को कंसीडर करना था अब डेट ऑफ ट्रांजैक्शन या ड्यू डेट जो भी है अपनी वो ड्यू डेट को कंसीडर नहीं करेंगे तो अप्रैल महीने में टोटल कितने दिन होते हैं तीस उसमें से बारह दिन को माइनस कर दो बारह के साथ क्योंकि बारह डेट कंसिडर नहीं करनी है तो माइनस कितने आए एटीन यहां पर आपके रेफरेंस के लिए मैं लिख देता हूं थर्टी माइनस ट्वेल्व थर्टी अप्रैल महीने के दिन माइनस बारह तारीख ड्यू डेट है फिर मे तो एज इट इज इकतीस जून एज इट इज तो कैलकुलेटर पर टोटल एटीन प्लस थर्टी वन प्लस थर्टी कितने हुए सेवनटी नाइन आ रहा है सबका तो यहां पर सेवनटी नाइन डेज तो अब यहां पर हम लोग लिखेंगे सेवनटी नाइन डेज एंड अमाउंट कितनी है एग्जाम्पल में इसकी ट्वेंटी थाउजेंड तो यहां पर लिखेंगे ट्वेंटी थाउजेंड अभी क्या करेंगे इंटरेस्ट अभी देखो एक दो ट्रांजेक्शन समझ में आ गया ना सब में यही प्रैक्टिस करते रहना है ट्वेंटी थाउजेंड इंटू टेन परसेंटेज इन टू कितने दिन है पांच से बड़ा डिजिट है तो हम क्या करेंगे 433, तो यहां पर लिख दो फोर थर्टी थ्री हो गया सेकंड ट्रांजैक्शन सिर्फ चेंज क्या हो सकता है ड्यू डेट लिख सकते हैं ड्यू डेट लिख के दिया हो तो वो डेट को कंसीडर करेंगे ना लिखा हो तो नहीं कंसीडर करेंगे क्लियर चलो उसके बाद कैश पेड टू श्याम श्याम को कैश पे किया पैंतीस हजार का जर्नल एंट्री बताओ तो कैश पे किए तो पैसे जाएंगे तो कैश अकाउंट तो क्रेडिट ही होता है श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश तो देखो श्याम का अकाउंट क्या हुआ डेबिट तो अकाउंट करंट में कौन सी साइड पोस्ट करेंगे डेबिट साइड पर तो डेबिट साइड पर सेवनटीन अप्रैल टू देखो डेबिट साइड इसलिए ऊपर लिखेंगे टू क्रेडिट होता तो बाय लिखते हैं टू कैश ऑपोजिट वाला नाम ये तो पता है ना लेजर पोस्टिंग के रूल खाता वही पर थी खतौनी स्टैंडर्ड हजारों साल पहले आया था याद ना हो तो उसका मतलब लेजर पोस्टिंग का सुपर रिविजन लेक्चर हमारे साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के चैनल पर फ्री में सबके लिए रखा है ठीक है आप देख सकते हो वैसे स्टैंडर्ड के लिए है वो बट आपको भी फंडामेंटल चीजें स्ट्रॉन्ग करने में काम लग सकता है अभी ड्यू डेट तो दिया नहीं है तो क्या होगा डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ही हमारा ड्यू डेट अगर दिया होता ऐसा बोला होता कि 25 अप्रैल ड्यू डेट है तो यहां पर ड्यू डेट के कॉलम में क्या लिख देते हैं पच्चीस अप्रैल और फिर यहां पर फाइंड आउट करेंगे अप्रैल से लेके तीस जून तक के दिन तो अप्रैल महीने में टोटल थर्टी ना, ना तो कर सकते हो कि थर्टी माइनस सेवनटीन कैलकुलेटर पर करना है पर रफ में थर्टी माइनस सेवनटीन तो तेरा हुए तो आप ऐसा रफ में ऐसा लिख दो तेरा फिर मे के इकतीस तो आप तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ही कर दोगे मेन तो पहला ही चाहिए तेरह प्लस मे के इकतीस प्लस जून के तीस हो गया सेवेंटी फोर डेज होना चाहिए सेवेंटी फोर डेज खबर पड़ी अभी क्या करेंगे लिख देंगे यहां पर अमाउंट सेवेंटी फोर डेज अमाउंट कितनी है अमाउंट है पैंतीस हजार रुपए तो यहां पर हम लिखेंगे थर्टी फाइव थाउजेंड और इंटरेस्ट के लिए क्या करेंगे पैतीस हजार इंटू टेन परसेंटेज इंटू सेवन फोर डेज है तो 74 फोर डेज डिवाइडेड बाई थ्री सिक्सटी फाइव सेवन जीरो नाइन पॉइंट फाइव पॉइंट के बाद पांच या उससे बड़ा डिजिट हो गया तो एक बढ़ा देंगे तो सेवन वन जीरो सात सौ दस रुपए लिख दो समझ में आ रहा है चलो उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन परचेस गुड्स फ्रॉम श्याम श्याम के पास से फिर से हमने गुड्स खरीदे क्या एंट्री होगी गुड्स खरीदे है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट ही होता है देखो ये दोनों ही सेम ही है ना परचेस ही है तो परचेस किया है तो परचेस टू श्याम तो श्याम का अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड पर ट्वेंटी मे बीस में ड्यू डेट नहीं दी है तो हम लोग बीस में ही कंसीडर करके चलेंगे अगर दे दी होती तो अपने को कितना लेना होता वहां पर ड्यू डेट दे दी होती तो वो जो ड्यू डेट दी होती उसको लिखते और फिर अब ये ड्यू डेट बीस मई से लेके तीस जून तक तो देखो अप्रैल महीना तो है ही नहीं इसमें बीस मई से शुरुआत हो रही है तो अप्रैल को तो भूल ही जाओ अप्रैल में डैश मे में टोटल इकतीस दिन होते हैं उसमें से बीस तारीख माइनस करो थर्टी वन माइनस बीस मई से शुरू हो रहा है तो माइनस ट्वेंटी तो मे महीने के ग्यारह देखो अप्रैल के कोई नहीं लिए समझ में आया क्यों क्योंकि अप्रैल महीना है ही नहीं बीस मई ड्यू डेट है तो बीस मई से लेके इकतीस सॉरी तीस जून तो इलेवन प्लस थर्टी फोर्टी वन तो यहाँ पर डेज में लिख देंगे फोर्टी वन अमाउंट कितनी है तीस हजार तो यहां पर तीस हजार तो थर्टी थाउजेंड इंटू फोर्टी वन ट्वेल लेख थर्टी थाउजेंड इंटू सॉरी 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 मैं तो प्रोडक्ट मेथड पे चला गया प्रोडक्ट मेथड पे चला गया अपने को क्या करना है थर्टी थाउजेंड इंटू इंटू टेन परसेंटेज टेन परसेंटेज इन टू फोर्टी वन डेज डिवाइडेड बाई थ्री सिक्स बाद बड़ा डिजिट है तो 337. 337. लिखा यहां तक देखो पहले वाले एग्जाम्पल में थोड़ा टाइम लूंगा बट परफेक्ट समझ में आ गया ना फिर आगे के एग्जाम्पल फटाफट हो जाएंगे फिर टाइम नहीं जाएगा क्योंकि बाकी चीजें आपको समझ में आ गई है सिर्फ इंटरेस्ट की जगह पर प्रोडक्ट करना होगा तो वो कैलकुलेटर पर ही हो जाएगा इससे ईजी रहेगा इसमें हम जो बार बार वर्किंग कर रहे हैं ना इंटरेस्ट का ऐसा नहीं करना इंटरेस्ट का वर्किंग एक ही बार करना पड़ेगा तो वो ईजी है और श्याम क्या होगी जर्नल एंट्री इसके जैसी ही है श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश तो श्याम का अकाउंट क्या हुआ डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पर ध्यान रखने का परचेस रिटर्न भी हो सकता है यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन में दिया हो परचेस रिटर्न तो परचेस रिटर्न हमेशा क्रेडिट होता है तो श्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न तो फिर श्याम के अकाउंट में डेबिट साइड पर ऐसा हो सकता है यहां पर श्याम टू कैश तो डेट के कॉलम में फिफ्थ जून टू कैश 34,000 है तो अमाउंट के कॉलम में मैं पहले लिख देता हूँ थर्टी फोर थाउजेंड ड्यू डेट तो फिफ्थ जून ही है तो अब देखो फिफ्थ जून से लेके थर्टी जून तो अप्रैल महीना तो आया ही नहीं छोड़ दो मे महीना भी नहीं आया छोड़ दो जून महीने ही है तो तीस में से पांच माइनस कर दो पच्चीस आएगा थर्टी माइनस फाइव तो ट्वेंटी फाइव तो यहां पर लिख देंगे ट्वेंटी फाइव और फिर अब क्या करेंगे इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे थर्टी फोर थाउजेंड इंटू टेन परसेंटेज इंटू ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी फाइव टू थ्री टू पॉइंट एट तो टू थ्री थ्री हो गया डन अभी क्या करना है अभी क्या करना है बोलना मत इंटरेस्ट के कॉलम का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे पहले इंटरेस्ट का कॉलम याद रखना सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं फिर पहले इंटरेस्ट का कॉलम कंसिडर करेंगे और जो आखिरी ट्रांजेक्शन आपने जहां पर भी लिखा हो ना उसके बाद पांच लाइन ड्रॉप कर देना पांच लाइन अब इंटरेस्ट का कौन सी साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है क्रेडिट साइड तीन है इसलिए नहीं पर अमाउंट बड़ी बड़ी दिख रही है तो कैलकुलेटर पर क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं सिक्स नाइन एट प्लस फोर थ्री थ्री प्लस थ्री थ्री सेवन फोर सिक्स अगर डेबिट का है तो क्रेडिट का, का, तो का दोनों साइड पर सेम लिखेंगे ठीक है इंटरेस्ट के कॉलम का क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो सेम साइड पर दोनों चीजें वन फोर सिक्स एट और फिर क्या करेंगे ये टोटल में से क्रेडिट वाला इंटरेस्ट माइनस करेंगे ये इंटरेस्ट बैलेंस फाइंड आउट करना है जो आप 11th स्टैंडर्ड से कर रहे हो वो माइनस 710 minus 233 कितना हुआ 525 सबका आ रहा है बैलेंस इसको कहां पर ले जाएंगे अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड पर अमाउंट के कॉलम में ट्रांसफर करना है तो यहां पर 30 तारीख को आखिरी तारीख आएगी अभी 30 जून टू इंटरेस्ट ट्रांसफर इसमें अभी वो डेज़ वेज कुछ नहीं आएगा और अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड पर लिख देंगे तीस तारीख को बाय इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट कौन से कॉलम में लिखो अमाउंट के कॉलम में गलती से इंटरेस्ट के कॉलम में मत लिख देना फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है और अब क्या करेंगे अमाउंट के कॉलम का टोटल और वो होगा हमारा आंसर तो देखो क्रेडिट साइड की अमाउंट ज्यादा दिख रही है तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा ट्वेंटी एट थाउजेंड जिनका हो गया है वेरी गुड मैं हर एक लेवल के स्टूडेंट को ध्यान में रख रहा हूं तो पहला एग्जाम्पल है सारी चीजें करवाऊंगा फिर स्पीड बढ़ जाएगी प्लस ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस फाइव टू फाइव कितना हुआ सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव ट्वेंटी फाइव दोनों साइड पर और उसमें से डेबिट साइड की अमाउंट के कॉलम को माइनस करते जाएंगे माइनस थर्टी फाइव थाउजेंड माइनस थर्टी फोर थाउजेंड कितना आया नाइन फाइव टू फाइव आ रहा है आंसर अलग लाइन में लिखना हो वो इंटरेस्ट वाली लाइन में नहीं लिखना है नीचे अलग से लिखना है आखिरी तारीख रहेगी तीस जून टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड या क्लोजिंग बैलेंस एंड दिस इज अवर आंसर ये हमारा आंसर हो गया क्लियर जिसका भी बाकी है वो कंप्लीट करो ऑनलाइन लाइव में वाह कोई भी मेंबर नहीं गया पूरे के पूरे हंड्रेड के हंड्रेड ऑनलाइन लाइव है गुड गुड समझ में आया यहां तक एग्जांपल ये होना चाहिए ये बढ़िया इंटरेस्ट होना चाहिए देखो अगर अच्छे से करोगे ना तो जबरदस्त फायदा मिलेगा स्टूडेंट्स क्या करते हैं मेरे को बहुत स्लो चल रहा है मैं क्या करूं फिर टेंशन लेने के लिए बैठ जाओगे काम नहीं करो अच्छे से इंटरेस्ट से काम करो पूरा चैप्टर बढ़िया लेवल पे होने वाला है ठीक है अब मैक्स टू मैक्स थर्टी टू फोर्टी मिनट्स पर उसमें अभी बाकी की सभी मैथड हो जाएगी क्योंकि पहला एग्जाम्पल था तो बहुत ज्यादा टाइम लेना था टेबल कैसे बनाना है कैलकुलेटर का इस्तेमाल लिखने का वो सब सिखाना था अब टाइम नहीं जाएगा चलो पहले जिसका भी बाकी है वो कंप्लीट कर दो मीन वाइल एक इंफॉर्मेशन दे देता हूं अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको साहस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है ऑफलाइन मोड में ऑनलाइन लाइव मोड में या साहस एप्लीकेशन मोड तो तीनों ही मोड में एडमिशन ओपन है लोवेस्ट फीस पर बेस्ट क्वालिटी का एजुकेशन सपोर्ट आपको मिलेगा जिससे कि आपका नॉलेज और रिजल्ट दोनों ही बढ़ सके चलिए ये एग्जाम्पल आई एम श्योर सब लोगों का हो गया है अभी हम लोग करेंगे सेम चीज प्रोडक्ट मेथड के लिए बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड ठीक है अभी इसके अंदर एक ही चेंज होगा चलो मैं आपको पहले स्टेप्स फिर से एक बार याद करवा देता हूं सर अभी तो करवाए थे सिक्स नंबर के स्टेप से रिपीट होगा चेंज होगा बट एक बार समझ लो तो एग्जाम के लिए माइंड में सारी चीजें दो चार बार रिवीजन में भी दो चार बार आपके माइंड में जा रही है चीज है देखो सबसे पहले पांच स्टेप तक तो चीजें एज इट इज रहेगी। एक बार क्विकली याद करवा पहले पहले पांच स्टेप। सबसे पहले टाइटल देना है डेटर का नाम आगे। इंटरेस्ट की जगह पर हो जाएगा प्रोडक्ट तो डेट फिर यहां पर आएगा पर्टिकुलर्स फिर ड्यू डेट फिर डेज अमाउंट एंड ये वाला अलग प्रोडक्ट सेम राइट साइड पर भी ठीक है

तो अमाउंट इन टू नंबर ऑफ डेज जो चौथा और पांचवा कॉलम था नंबर ऑफ डेज इन टू अमाउंट करेंगे तो इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि प्रोडक्ट की अमाउंट बड़ी होगी ना तो प्रोडक्ट के कॉलम में लिखने में आपको दिक्कत होगी क्योंकि छोटे छोटे कॉलम बना रहे हैं ना बारह कॉलम ले रहे हो तो ये एक अकेली ड्रॉबैक है तो जब प्रोडक्ट मेथड का यूज करते हो ना तो ध्यान रखना कि प्रोडक्ट की अमाउंट थोड़ी बड़ी होती है तो उसको लिखने के लिए प्रॉपर जगह ड्रॉप करना ठीक है अब फाइंड द स्टेप फाइंड द बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट कर दिए हैं सारे ट्रांजेक्शन के साथ ही लिख दिए उसके बाद बैलेंस फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट के कॉलम का मतलब प्रोडक्ट में जिस साइड का टोटल ज्यादा है जो भी साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है उसको हम लोग दोनों साइड पर लिखेंगे और उसमें से कम

और फिर ये जो इंटरेस्ट मिला ना इसको ध्यान से समझना पुट द इंटरेस्ट फाउंड ऑन स्टेप नंबर एट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द अमाउंट कॉलम अमाउंट के ऑपोजिट साइड पर मतलब हमने क्रेडिट साइड पर ये डिफरेंस आया था तो क्रेडिट साइड पर फाइंड आउट किया तो लिखेंगे डेबिट साइड पर अगर प्रोडक्ट का डिफरेंस डेबिट साइड पर आया था तो उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करके लिखेंगे क्रेडिट साइड पर तो इसमें गड़बड़ी ना हो और लिख दिया उसके बाद अमाउंट के कॉलम का डिफरेंस अभी देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि आपको कोई स्पेसिफिक मेथड का नाम नहीं कहेंगे एटी परसेंट चांसेस ऐसे तो आपकी मर्जी आपको ऐसा है कि सर मेरे को तो इंटरेस्ट कॉलम जो है इंटरेस्ट मेथड वो क्लियर हो गई तो आप उससे करो आपको ऐसा लगता है कि सर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मैथड इजी लगेगी अभी हम करेंगे तो तो वो करो सर मैं एक ही करके जाऊं तो चलेगा ऐसा मत पूछना क्योंकि ट्वेंटी फाइव परसेंट चांस एग्जामिनर आपको स्पेसिफिक मेथड बोल दे फिर सर मैंने तो प्रोडक्ट मैथोड की नहीं और एग्जाम में लिख दिया प्रोडक्ट मैथड मैंने इंटरेस्ट से कर दिया आंसर नहीं आएगा तो सर कितने मार्क्स काटेंगे वो पूछने के लिए मत आना ठीक है वो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है वो पूरे ही काटेगा ठीक है चलिए अभी हम लोग करते हैं तो ये चीज समझ में आ जाएगी जल्दी से आप टेबल ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से टेबल ड्रॉ करने के लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं इस तरह से टेबल ड्रॉ कर दीजिए सिर्फ छठे नंबर का कॉलम जो है वो प्रोडक्ट हो जाएगा पहले टेबल ड्रॉ कर दीजिए फिर एग्जाम्पल पढ़ के करते हैं हम लोग जल्दी से टेबल ड्रॉ करो अभी मैं मैं करूंगा वो मैं थोड़ी स्पीड रखूंगा आपको भी थोड़ी स्पीड रखनी है अगर मिस हो गया है ऐसा कुछ लगता है तो सास एप्लीकेशन पर इसका वीडियो आपको मिल जाएगा तो आप वहां से फिर से देख सकते हैं वर्किंग सारे मैं कैलकुलेटर पर ही करूंगा आगे वाला एग्जाम्पल में लिख के दिखा दिया चलिए देखो फॉलोइ Arun. Arun पर्टिक्यूल तो किसका नाम आएगा माया भाई तो माया आगे माया इन अकाउंट करंट विथ अरुण अप टू थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी टू एंड एट द रेट ऑफ टेन परसेंट टाइटल लिखो माया इन अकाउंट करंट जल्दी से लिखना माया इन अकाउंट करंट विथ अरुण अप टू थर्टी फर्स्ट डिसम्बर ट्वेंटी टू एट टेन परसेंट है ना टेन परसेंट एट टेन परसेंटेज अब सबसे पहला ट्रांजैक्शन जून 28. बैलेंस ओइंग बाय माया देखो ओइंग बाय एंड ओइंग टू ये ध्यान रखना है हम लोग कौन है हम लोग कौन है माया हम लोग कौन है माया और क्या बोला है बैलेंस ओइंग बाय माया हम लोग कौन है अरे सॉरी मतलब माया की बुक में हम लोग लिख रहे हैं हम लोग माया की बुक में लिख रहे हैं मतलब हमें माया के एंगल से सोचना है भाई अरुण को सोचेंगे माया के एंगल से ठीक है नाम किसका है किसकी बुक में हम बना रहे माया की बुक में बना रहे अरुण की बुक में बना रहे तो हम लोग अरुण है हम अरुण है सॉरी हम अरुण है अरुण के एंगल से हम लोग सोचेंगे जिसकी बुक में हम बना रहे हम बना रहे अरुण की बुक में तो हम अरुण ठीक है अब यहां पर क्या बोला है सेंटेंस को ध्यान से समझना हाँ बैलेंस ओइंग बाय माया माया को पे करना है ओ मतलब चुकाना देवु ओ पेबल माया को पेमेंट करना है माया के लिए पेबल है तो अरुण के लिए क्या होगा माया को पे करना है तो अरुण को क्या करना होगा रिसीव करना होगा और हम लोग अरुण है तो अरुण के एंगल से माया डेटर होगा या क्रेडिटर होगा माया के पास से पैसे लेने हैं ध्यान से समझो बैलेंस ओइंग बाय माया माया पेमेंट करना है माया पे करेगा हम अरुण है तो माया अरुण को पेमेंट करेगा मतलब हम अरुण है तो पैसे हमें लेने हैं रिसीवेबल है तो माया हमारे लिए क्या होगा डेटर डेबिट बैलेंस होगा रिसीव करना है इसलिए अब यहां पर ऐसा होता है ना कि बैलेंस ओइंग टू माया बैलेंस ओइंग टू माया तो माया को चुकाना है हमें अरुण के एंगल से अरुण माया को पे करेगा ओइंग टू लिखा होता तो और लिखा है, माया, मतलब माया, को चुकाना है माया चुकाएगा दूसरी पार्टी कौन है अरुण कंफ्यूज नहीं होना है ध्यान से समझो ओइंग बाय मतलब वो पार्टी को पे करना है एंड ओइंग टू मतलब हमें उस पार्टी को पे करना है दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है ओइंग बाय यहां पर समझो बैलेंस ओइंग बाय माया मतलब माया पे करेगा एंड ओइंग टू माया है तो माया को पे करना सेंटेंस में ध्यान से समझो अब हम तो अरुण है तो अब देखेंगे माया को पे करना है तो हम अरुण है तो हमें तो लेना है तो हमारे लिए डेबिट बैलेंस होगा तो ये बैलेंस कहां पर आएगा डेबिट साइड पर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपने इसको समझने में गलती कर दी तो फिर आपका पूरा एग्जांपल आगे गलत हो जाएगा तो डेबिट साइड पर हम लिखेंगे 28 जून यहाँ पर डेट के कॉलम में 28 जून 22 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ड्यू डेट दी है नहीं तो सेम अब हम क्या करेंगे डेज फाइंड आउट करेंगे 28 जून से लेके हमारा 31st दिसंबर का अब मैं कैलकुलेटर पर ही करूंगा ध्यान से देख लो अब मैं लिख के नहीं करवाऊंगा कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेटर ले लो सब लोग हाथ में 28 जून से तो जून महीने में पहले जून से शुरुआत करेंगे जून महीने में टोटल कितने दिन तो पहले 30 लिखो कैलकुलेटर पर पर सब लोग साथ में करेंगे ऑफलाइन वाले वाले ऑनलाइन लाइव ऐप देखे तो वो लोग भी तीस माइनस माइनस कितना करो अट्ठाइस माइनस करो कि सत्ताईस ट्वेंटी सेवन अट्ठाइस डेट को माइनस नहीं करना है क्योंकि उस डेट को हमें कंसिडर करना है हमने अभी क्या देखा था ओपनिंग बैलेंस हो तो उस डेट को कंसिडर करना होता है तो डेट को हम गिनेंगे। तो करो अगर ये ओपनिंग बैलेंस नहीं होता ना तो ट्वेंटी एट करते तो ट्वेंटी एट करते यहां पर ओपनिंग बैलेंस हो तो उसके आगे वाला दिन माइनस करना पड़ेगा तो माइनस ट्वेंटी सेवन तो तीन दिन अगर ऐसे समझ में ना आए तो जून महीने के सॉरी हाँ जून महीने के कितने दिन तो अट्ठाइस कंसिडर 29 तीस फिर जून के बाद कौन सा महीना जुलाई तो जुलाई के इकतीस फिर अगस्त इकतीस फिर सितंबर के तीस फिर अक्टूबर के इकतीस फिर नवंबर के तीस और फिर दिसंबर के इकतीस कितना आया वन एटी सेवन तो यहां पर डेज में लिखो वन एटी सेवन बहुत ध्यान से ये एग्जाम्पल सभी लोग करेंगे और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में मिले अमाउंट एग्जाम्पल में कितनी दी है अमाउंट एग्जाम्पल में अपने को दी है 620 तो यहां पर लिखेंगे 620 और अब क्या करना है डेज इनटू अमाउंट तो कैलकुलेटर पर 187 इनटू 620 तो थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी आ रहा है सबका ध्यान से हो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा है और डेज का कैलकुलेशन भी बड़ा है एक आइडियल है फुल पूछने के लिए उसके बाद पंद्रह जून जु, जुलाई गुड्स सोल्ड टू माया हमें अरुण के एंगल से सोचना अरुण की बुक में है तो माया को गुड्स बेचे है जर्नल एंट्री क्या होगी बेचे है गुड्स माया अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो कहां पर रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड पर मिनट सेल्स किया ना हाँ। सॉरी डेबिट साइड पर ना माया डेबिट हुआ ना माया को देखना है माया अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो माया क्या हुआ है डेबिट तो कहां रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर तो डेबिट साइड पर एक लाइन ड्रॉप करना है तो करो नहीं करना है तो भी चलेगा ट्रांजेक्शन ज्यादा है तो ना करो तो भी चलेगा पंद्रह जुलाई दो हजार बाईस टू सेल्स ड्यू डेट एग्जाम्पल में दी है नहीं नहीं दी है तो पंद्रह जुलाई ही अगर दी होती तो वो लिखते हैं। अब पंद्रह जुलाई से लेके इकतीस दिसंबर, तो कैलकुलेटर पर अभी ध्यान रखो अभी ओपनिंग बैलेंस नहीं है ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन है अब जुलाई महीना है पंद्रह जुलाई जुलाई महीने में टोटल कितने दिन थर्टी वन थर्टी वन में से कितने माइनस करो पंद्रह या चौदह पंद्रह ये रेगुलर ट्रांजेक्शन है तो पंद्रह डेट को एक्सक्लूड कर देना इसलिए माइनस कर देंगे तो माइनस पंद्रह तो जुलाई के अभी सोलह बचे जुलाई के बाद जुलाई के बाद अगस्त कितने थर्टी वन फिर सितंबर के तीस फिर अक्टूबर के इकतीस नवंबर के तीस और दिसंबर के इकतीस कितना हुआ 169 तो डेज में लिखो 169 डेज और अमाउंट कितनी है पचास तो अमाउंट के कॉलम में पचास और कैलकुलेटर पर 169 सिक्सटी नाइन इंटू फिफ्टी एट फोर फाइव जीरो क्लियर चलो स्पीड रहेगी यो नाउ कैश रिसीव फ्रॉम माया माया के पास से पैसे मिले पैसे मिले कैश अकाउंट डेबिट टू माया माया का अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट तो रिकॉर्ड कौन सी साइड पर करेंगे क्रेडिट साइड पर तो क्रेडिट साइड पर डेट के कॉलम में तीन बाय कैश ड्यू डेट नहीं लिख के दी है तो वही थर्ड अब अगस्त महीने में टोटल कितने दिन होते हैं इकतीस तो कैलकुलेटर पर थर्टी वन माइनस तीन तारीख माइनस कर देंगे तो अगस्त खत्म अगस्त के बाद सितंबर के तीस अक्टूबर के इकतीस नवंबर के तीस और दिसंबर के इकतीस कितने हुए एक सौ पचास दिन और अमाउंट कितनी है पांच सौ बीस फाइव टू जीरो देखो ये फाइव टू जीरो तो अब कैलकुलेटर के ऊपर वन फिफ्टी इंटू फाइव ट्वेंटी एट थाउजेंड एग्जैक्टली वेरी गुड उसके बाद नेक्स्ट वाला ट्रांजैक्शन गुड्स सोल्ड टू माया अगेन माया टू सेल्स होगा तो माया का अकाउंट डेबिट हुआ है सेवन नाइन जीरो तो माया के अकाउंट में डेबिट साइड पर ट्वेंटी फर्स्ट ऑगस्ट को cells, 21st आगस्ट, 21st आगस्ट से लेके इकतीस दिसंबर तो अगस्त महीने में अगस्त महीने में जो ड्यू डेट हो वो महीना पहला लेने का इकतीस माइनस ट्वेंटी वन तो दस दिन बचे अगस्त के अगस्त के बाद सितंबर महीने के तीस प्लस अक्टूबर के इकतीस प्लस नवंबर के तीस प्लस दिसंबर के इकतीस कितने हुए वन थर्टी टू और अमाउंट कितनी है सेवन नाइन जीरो कैलकुलेटर के ऊपर वन थर्टी टू इंटू सेवन नाइन जीरो वन लैख फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एटी वन लैक फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एटी चलो डन उसके बाद नेक्स्ट कैश रिसीव्ड फ्रॉम माया तो कैश अकाउंट डेबिट टू माया होगा माया का अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट तो क्रेडिट साइड पर पहली सितंबर फर्स्ट सितंबर बाय कैश फर्स्ट सितंबर 1 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तो सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं 30 - 1 करू के 30 के 30 ले लो पहला है पहली डेट है तो माइनस करू के 30 पूरे ले लो जितना पण पूरे पूरा લઈ લેવાનું કીધું એમને જે પણ ગંદામ ગંદી ગાડ આવડતી હોય એમે તમને આપી આ ઓપનિંગ બેલેન્સ છે 900 રૂપિયા લી તો આર એકા ન પહેલી તારીખા એટલે લઈ લેવાનો પહેલી તારીખા એટલે નહી લઈ લેવાનો એવું નહીં ઓપનિંગ બેલેન્સ આયા નહી ओपनिंग बैलेंस हो तो वो दिन लेने का ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है ये तो कैश रिसीव का ट्रांसेक्शन है तो यहां पर सितंबर महीने में टोटल तीस दिन है तो उसमें से एक माइनस तो सितंबर के बचे ट्वेंटी सितंबर के बाद अक्टूबर के बाद नवंबर के बाद दिसंबर टोटल कितने हुए वन टू वन और अमाउंट कितनी है उसकी फोर हंड्रेड थर्टी तो कैलकुलेटर पर वन टू वन इंटू फोर थ्री जीरो फिफ्टी टू थाउजेंड थर्टी चलो डन यहां तक उसके बाद एक सितंबर के बाद वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट माया एक्सेप्टेड अरुण्स बिल एट अ थ्री मंथ डेट तीन महीने का टेन्योर है माया एक्सेप्टेड माया ने एक्सेप्ट किया उसके लिए बिल्स पेबल हम तो अरुण है तो हमने ड्रॉ किया होगा तो हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल हो जाता है इसको इंपॉर्टेंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू माया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू माया ठीक है तो सेकंड सितंबर माया का अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड पर बाय बिल रिसीवेबल इसको फिर मैं हाईलाइट कर दूंगा ताकि आपको पता चले कि दिस इज डिफरेंट ये बीच में बिल का एक गुस्सा दिया ताकि स्टूडेंट्स गलती करे कंफ्यूज होके अभी अभी गलती क्या करेंगे स्टूडेंट्स ये देखते हैं ड्यू डेट क्या लिखो सेकंड सितंबर लिख दो नहीं बिल है तीन महीने का टेन्योर है तो बिल हमने ऑलरेडी देख लिया है बिल की मैच्योरिटी डेट फाइंड आउट करने का एवरेज ड्यू डेट वाले चैप्टर में तो क्या करेंगे डेट ऑफ बिल सेकंड सितंबर उसमें पहले तीन महीने ऐड कर दोगे तो नाइन्थ मंथ में तीन महीने ऐड करोगे तो बारवा महीना दिसंबर और डेट टू है उसमें तीन दिन ग्रेस के तो पांच तो ड्यू डेट क्या बन जाएगी यहां पर फाइव डिसंबर टू और अब फाइव डिसंबर से लेके इकतीस डिसंबर थर्टी वन माइनस फाइव कर दो क्योंकि सेम महीना ही है तो 31 -5, 26, तो यहां 26 है 310, तो तो पर डे एंड अमाउंट कितनी एट जीरो सिक्स जीरो इसको खास ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट है सो आई एम हाईलाइटिंग इट कि ये थोड़ा सा अलग हो रहा है बाकी सबकी कंपेरिजन में फिर गुड्स बॉट फ्रॉम माया माया के पास से बॉट बॉट मतलब बाय खरीदा तो क्या होगा परचेस टू माया माया अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड पर 25 अक्टूबर अक्टूबर मतलब दसवां महीना बाय परचेस ड्यू डेट के लिए तो कुछ कहा नहीं है तो 25 अक्टूबर ही अब 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर दिसंबर सॉरी अभी अक्टूबर महीने में 31 दिन होते हैं तो 31 में से पहले 25 माइनस तो छह दिन अक्टूबर के उसके बाद नवंबर के 30 प्लस दिसंबर के 31 कितने हुए 67 एंड अमाउंट कितनी है 40 सिक्सटी सेवन इंटू फोर्टी क्या मिला टू सिक्स एट जीरो उसके बाद गुड सोल्ड टू माया सेल किया है तो माया अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो माया का अकाउंट डेबिट हुआ है तो 16 नवंबर को डेबिट साइड पर नवंबर मतलब ग्यारहवा महीना ये सब पता होना चाहिए टू सेल्स ड्यू डेट कुछ नहीं कही है, तो सोलह नवंबर ही अब सोलह नवंबर से इकतीस दिसंबर तो पहले नवंबर महीने में तीस दिन होते हैं उसमें से सोलह माइनस तो 14 प्लस दिसंबर के इकतीस तो फोर्टी फाइव अमाउंट कितनी बोली है एग्जाम्पल में सोलह सोलह क्या बात कर रहे सोलह रुपए का तो कोई गुड्स बेचता है तो फोर्टी फाइव इंटू सिक्सटीन सेवन टू जीरो दे सकते हो देखो शुरुआत हुई थी एक लाख पंद्रह हजार से और धीरे धीरे सात सौ बीस मतलब जान के वेरिएशन वाली अमाउंट देते हैं ताकि स्टूडेंट कैलकुलेटर के इस्तेमाल में गलती कर दे ठीक है तो कॉन्सियस रहना है ध्यान रखना है चलो सोलह के बाद लास्ट कैश रिसीव फ्रॉम माया कैश अकाउंट डेबिट टू माया तो सत्रह दिसंबर में क्रेडिट साइड पर बाय कैश ड्यू डेट कुछ नहीं है तो सत्रह दिसंबर ही अमाउंट है अपनी सेवनटी तो अमाउंट के कॉलम में 70 और डेज कितने होंगे तो इकतीस दिसंबर में से सत्रह दिसंबर ही है तो थर्टी वन माइनस सेवनटीन 14, into, 70 तो फोर्टीन इंटू अमाउंट है सेवेंटी रुपीज तो इंटू सेवेंटी तो नाइन एट जीरो डन सारे ट्रांजेक्शन रेकॉर्ड हो गए नाउ वी आर एट द लास्ट फेज जहां पर ध्यान रखना है गड़बड़ी हो सकती है क्या करना होगा अभी पहले फाइंड द बैलेंस ऑफ ऑफ प्रोडक्ट कॉलम दो ही तो कॉलम है प्रोडक्ट और अमाउंट तो प्रोडक्ट कॉलम का बैलेंस फाइंड आउट करेंगे और उस डिफरेंस का बैलेंस का एक दिन का इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है तो देखो डेबिट क्रेडिट दोनों में से कोई भी साइड साइड का टोटल ज्यादा हो सकता है बट डेबिट पर ये एक लाख एक लाख अमाउंट बड़ी बड़ी दिख रही है अगर कंफ्यूजन लगे ना तो आप रफ में भी कर सकते हो पहले डेबिट का रफ में लिख दू फिर क्रेडिट का रफ में लिख दू जो ज्यादा अलग है वो दोनों साइड पर लिख दो ठीक है यहां पर आखिर में पांच छह लाइन ड्रॉप करके पहले प्रोडक्ट कॉलम का मैं टोटल कर रहा हूं डेबिट साइड का एक लाख पंद्रह हजार नौ सौ चालीस प्लस एट फोर फाइव जीरो प्लस वन फोर थाउज़ेंड टू हंड्रेड एटी प्लस सेवन ट्वेंटी टू लैक ट्वेंटी नाइन थाउजेंड थ्री नाइनटी अभी मैं लिख देता हूँ क्योंकि मैं तो इरेज कर पाऊंगा आपको रफ में लिखना चाहिए टू ट्वेंटी नाइन थ्री नाइन जीरो टोटल करते हैं तो नीचे डबल लाइन भूलना चीजें अच्छी दिखनी चाहिए ताकि अच्छे अच्छे मार्क्स दे माइनस सेवेंटी माइनस टू सिक्स नाइन एट जीरो क्या बैलेंस आया एटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी यहाँ पर बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट ऐसा लिख दोगे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसको कैरी फॉरवर्ड करना भी नहीं है बाय बैलेंस ऑफ़ प्रोडक्ट। अभी क्या करना है ये बैलेंस आया ना क्रेडिट साइड पर बैलेंस आया तो उसके ऊपर एक दिन का इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे और वो कौन सी साइड पर डेबिट साइड पर क्योंकि ये बैलेंस कहां पर आया क्रेडिट साइड पर स्टार्टिंग में ही कहा था अगर डेबिट साइड पर ये प्रोडक्ट का डिफरेंस आता तो फिर उसका इंटरेस्ट फाइंड आउट करके प्रोडक्ट का तो डिफरेंस फाइंड आउट करके इंटरेस्ट एक दिन का हम डेबिट साइड पर अमाउंट के कॉलम में लिखेंगे तो यहां पर इकतीस डिसम्बर टू इंटरेस्ट और यहां पर वर्किंग दिखाना जरूरी है तो देखो एटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी इंटू कितने परसेंटेज है टेन परसेंटेज कितने दिन का एक दिन का इंटू थ्री कैलकुलेटर पर एटी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फोर्टी इंटू टेन परसेंटेज इंटू वन डिवाइडेड बाई थ्री कितना आया ट्वेंटी फोर पॉइंट जीरो ट्वेंटी फोर

प्लस फिफ्टी प्लस सेवन नाइन जीरो प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर कितना आया पंद्रह सो रुपए नेट उसमें से क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस कर लेते हैं माइनस फाइव ट्वेंटी माइनस फोर थर्टी माइनस थ्री हंड्रेड एंड टेन माइनस फोर्टी एंड माइनस कितना बैलेंस आया थर्टी रुपीज तो ये हमारा फाइनल आंसर यहां पर मैं लिख देता हूं पंद्रह सो थर्टी फर्स्ट डिसम्बर बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड दिस इज माय आंसर सर अमाउंट के कॉलम है नॉट इन डेज कॉलम अमाउंट के कॉलम में यहां पर दिस इज माई आंसर अमाउंट के कॉलम में लिख देते हैं फुल मार्क्स सिक्योर क्लियर चलो कंप्लीट करना है सबको डन ऑनलाइन में वाह एक भी स्टूडेंट हिल नहीं रहा है पूरे के पूरे हंड्रेड के हंड्रेड ऑनलाइन लाइव में टिके हुए हैं री गुड पार्ट मुझे भी अच्छा लगता है कि शायद हम अच्छा पढ़ाते हैं और प्राउड की भी बात है कि अच्छे पढ़ते भी है स्टूडेंट चलिए डन अभी रेड इंक इंटरेस्ट मैथड लास्ट मैथड रेड इंक इंटरेस्ट मैथड इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या है इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है चलिए अभी हम लोग इसका लास्ट इंपॉर्टेंट फेज दैट इज रेड इंक इंटरेस्ट मैथड ये भी समझ लेते हैं देखो ये कब लगता है रेड इंग इंटरेस्ट मेथड जो अभी हमने आगे भी एक आगे एग्जांपल किया ना उसमें एक बिल आया और उसके बिल की हमने मैच्योरिटी डेट फाइंड आउट की ना तो वो दिसंबर महीने की आई थी जबकि हमारा अकाउंट करंट खत्म हो रहा था इकतीस दिसंबर का बट उसकी मैच्योरिटी डेट वो कुछ पांच या पांच दिसंबर ही आई थी बट सपोज उस बिल की मैच्योरिटी डेट पांच फेब्रुआरी आई होती तो अकाउंट करंट इकतीस तारीख का है दिसंबर, उसकी उस उस बिल बिल की की, ड्यू ड्यू डेट 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 नेक्स्ट हो जाता सपोज, या आपको जो 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 भी ईयर देते हैं, तो उस केस में ऊपर चला गया के आगे मतलब बिल, जो है हमारे अकाउंट करंट रेंडर करने की, उसके आगे जितने भी दिन चले गए न, उसका इंटरेस्ट हमें तो उस मेथड को कहते हैं रेड इंक इंटरेस्ट मेथड देखो इफ द ड्यू डेट ऑफ द बिल फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ क्लोजिंग एन अकाउंट जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा अकाउंट करंट क्लोज हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को ठीक है और जो ड्यू डेट है वो सपोज निकल के आ रही है 2 फरवरी 2025 तो ये अकाउंट करंट इस डेट पर खत्म हो रहा है यहां से आगे जा रहे वो हम एक्स्ट्रा जा रहे तो ये क्या करना पड़ेगा जनरली नो इंटरेस्ट इज अलाउड फॉर इट ड्यूरिंग द करंट पीरियड ऑफ द अकाउंट बट यहां पर क्या किया जाता है देखो जो हाईलाइट किया है वो पार्ट इंटरेस्ट फ्रॉम डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट टू ड्यू डेट ऑफ सच ट्रांजेक्शन मतलब यहां से यहां तक का डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट करंट टू ड्यू डेट ऑफ बिल इज सोन इन रेड इंक मतलब ये जो भी ड्यू डेट ऐसी आई जो कि डेट ऑफ रेंडरिंग ऑफ अकाउंट करंट के भी आगे निकल जाती है अभी तक हमने जितने भी ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट फाइंड आउट की उसमें खास बात क्या थी कि अकाउंट करंट रेंडर करने की डेट है उससे पहले ही उनकी ड्यू डेट आ जाती थी बट अगर ऐसा कोई बिल निकलता है जिसकी ड्यू डेट हम फाइंड आउट करें तो वो अकाउंट करंट रेंडर करने की डेट से आगे निकल जाती है तो यहां से यहां तक का मतलब अकाउंट करंट रेंडर करने की डेट से जितने एक्स्ट्रा दिन वो आगे निकल गया है वहां तक का इंटरेस्ट रेड कलर की इंक से ऑपोजिट साइड पर लिखा जाता है जिसको रेड इंक इंटरेस्ट या नेगेटिव इंटरेस्ट कहा जाता है ठीक है अभी ऐसा एग्जाम्पल है तो क्या होगा छह है ना, तो चार या पांच ट्रांजेक्शन नॉर्मल ही होंगे रेगुलर ही होंगे एक या दो ट्रांजेक्शन ऐसे निकलेंगे जो अकाउंट करंट की डेट से आगे निकल जाते हैं तो फिर उसका इंटरेस्ट हम लोग फाइंड आउट करके ऑपोजिट साइड पर लिखेंगे देखो बाकी सारी चीजें एज इट ही है सेम टेबल सेम टाइटल सेम प्रोसेस कौन सी ट्रांजेक्शन लिखना है ये सारी चीजें सेम ये ध्यान रखना है बस जो चीज अलग हो रही है वो मैंने मार्क की हुई है बस वो ध्यान रखनी है इफ ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन फॉल्स बिफोर द डेट ऑफ अकाउंट करंट ध्यान से समझो मान लो हमारा अकाउंट करंट रेंडर करने की डेट है थर्टी फर्स्ट कौन सी डेट लेनी है चलो आप बोलो आप बोलो वो डेट ले लेते हैं जल्दी से जल्दी से बोलो ट्वेंटी फाइव क्या मार्च चलो ठीक है ट्वेंटी फाइव मार्च हम लोग लिख देते यहां पर डेट ऑफ रेंडरिंग अकाउंट अकाउंटकरण ठीक है अभी मुझे दो ऐसे ट्रांजेक्शन बताओ जिसमें एक ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट इससे पहले आती है जो अभी तक के एग्जांपल में किया था वो और एक डेट इसके बाद आती है चलो जल्दी से बताओ कोई भी एक डेट पच्चीस पच्चीस मार्च से पहले की 15 फेब्रुआरी चलो चौदह फेब्रुआरी इफ ड्यू डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन बिफोर द डेट ऑफ करंट देखो करंट पच्चीस मार्च को उससे पहले फॉल बिफोर पंद्रह फेब्रुआरी को ड्यू डेट आई तो वो सेम साइड पर मतलब साइड 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 पर किया पर किया तो तो उसका उसका इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी भी ही। अगर क्रेडिट क्रेडिट का होता करंट अभी मुझे कोई एक ऐसी डेट बताओ जो इसके बाद आती है सत्यावीस अप्रैल ट्वेंटी सेवन अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर अब आगे निकल गया तो यहां पर 25 फरवरी सॉरी 25 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक का जो ड्यूरेशन है ना वो आगे निकल गया है तो उतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट हम लोग ऑपोजिट साइड पर लिखेंगे मतलब एक्चुअल क्रेडिट साइड पर था पर उसका इंटरेस्ट हमें डेबिट साइड पर लिखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव गया ना आगे चला गया ना अगर एक्चुअल ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पर था तो इतने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट आपको ऑपोजिट साइड पर लिखना पड़ेगा देखो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन Particular due date amount is written on the same side but due date days and product product method hai to तो product aayegi aur interest method hai to तो interest is written on the opposite side after leaving the few lines और लिखेंगे वहां पर red ink interest in particular column ये हमको लिखना होगा बस ये ध्यान रखना है बाकी सारी चीजें तो number of days find out करते हैं तो as it easy है अगर ओपनिंग बैलेंस की डेट है तो वो कंसीडर करते हैं बाकी क्या ट्रांजेक्शन हो तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट प्रोडक्ट उसके ऊपर ऑपोजिट साइड पर हम लोग इंटरेस्ट फाइंड आउट करेंगे फॉर वन डे और वो इंटरेस्ट को हम लोग अमाउंट के कॉलम में लिख देंगे बाकी सारी चीजें एज इट इज सिर्फ एक दो ट्रांजेक्शन ऐसे निकलेंगे जो भागते भागते अकाउंट करंट की डेट से आगे निकल जाएंगे तो उसको ऑपोजिट साइड पर लिखना पड़ेगा सिर्फ प्रोडक्ट ठीक है चलिए एग्जांपल एग्जांपल देखना है उसका चलो जल्दी से टेबल कर दो मिनट का टाइम टेबल ड्रॉ कर दो चलो टेबल आप लोगों ने ड्रॉ कर दिया है अभी हम लोग पढ़ते हैं और क्या टाइटल आएगा वो देखते हैं फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टूक प्लेस बिटवीन तारा एंड रॉय ड्यूरिंग द मंथ ऑफ एप्रिल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यू आर देखो टेबल के बाद लिख के दिया है रिक्वाय टू मेकआउट एन अकाउंट करंट बाई प्रोडक्ट मैथड देखो प्रोडक्ट मैथड स्पेसिफिक बोल दिया है तो आपने को प्रोडक्ट मैथड पे ही जाना पड़ेगा इंटरेस्ट मैथड बोला होता तो इंटरेस्ट मैथड पे जाना पड़ता कुछ ना बोला होता तो माई लाइफ माई रूल्स रेंडर बाय दिस इज इंपॉर्टेंट रेंडर बाय तारा टू रॉय तारा रॉय को रेंडर करने वाली है तो आगे किसका नाम आएगा रॉय तो टाइटल लिखो रॉय इन अकाउंट करंट विथ तारा वेरी गुड अप टू कौन सी डेट दी है देख लेते हैं थर्टीअ अप्रैल और इंटरेस्ट रेट है फाइव परसेंट At 5%. तो ये ध्यान रखना प्रोडक्ट ही लिखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट मेथड स्पेसिफिकली एग्जांपल में अपने को बोल दिया है अभी देखो अमाउंट अमाउंट टू रॉय रॉय को पे करनी है पे बल टू रॉय तारा पे करेगी रॉय को हम लोग तारा के एंगल से सोचेंगे तारा की बुक में है तो तारा को पे करना है रॉय को तो हमारे लिए रॉय क्रेडिटर हो गया तो ओपनिंग बैलेंस कौन सी साइड पर आएगा क्रेडिट साइड पर ये क्लिक होना चाहिए क्रेडिट बैलेंस अमाउंट फ्रॉम रॉय लिखा होता तो रॉय के पास से मतलब रॉय को पे करना होता तो हमारे लिए डेबिट बैलेंस हो जाता तो यहां पर क्रेडिट बैलेंस है पहली तो फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी टू टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ड्यू डेट के लिए कुछ नहीं कहा तो पहली अप्रैल ही रहेगी सॉरी सॉरी बाय बाय नॉट टू डेबिट साइड पर टू आता है क्रेडिट साइड पर बाय मैं बोल रहा हूं बाय और लिख रहा हूं टू बाय अब पहली अप्रैल से तीस अप्रैल तो तीस माइनस एक कर ओपनिंग बैलेंस है कहला दिन गिनना है तो तीस पूरे के पूरे तो यहां पर थर्टी डेज एंड अमाउंट कितनी है इलेवन थाउजेंड तो यहां पर अमाउंट में इलेवन थाउजेंड और प्रोडक्ट कितना होगा इलेवन थाउजेंड इंटू थर्टी तो कितना आया थ्री लैख थर्टी थाउजेंड पहला ट्रांजेक्शन क्लियर फिर दूसरा बिल्स पेबल एक्सेप्टेड फॉर टू मंथ बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है टू मंथ के लिए तो बिल्स पेबल एक्सेप्ट होता है हमने हो? यहाँ पर जो कुछ भी दिया है वो हमारे एंगल से मतलब तारा जी के एंगल से सोचने का है अपने को तो बिल्स पेबल एक्सेप्टेड हमने बिल्स एक्सेप्ट किया है बिल्स पेबल का क्रेडिट बैलेंस होता है ड्रॉ करते हैं तो बिल्स receivable डेबिट होता है बिल्स एक्सेप्ट करते हैं यानी कि बिल्स पेबल उसका क्रेडिट बैलेंस होता है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी रॉय अकाउंट डेबिट टू तो बिल्स पेबल अकाउंट ये ध्यान रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट है तो रॉय क्या हुआ डेबिट तो डेबिट साइड पर लिखेंगे सेवंथ अप्रैल टू बिल्स पेबल अभी इंपॉर्टेंट चीज आई अभी इंपॉर्टेंट चीज आई ध्यान से देखना ध्यान से देखना बिल है दो महीने का टेन्योर है तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी पहले अप्रैल में दो महीने ऐड करेंगे तो जून मंथ हो जाएगा और सात डेट है उसमें तीन दिन ग्रेस ऐड करेंगे दस 2022 अमाउंट कितनी अमाउंट कितनी है देखो ये रहा सिक्स थाउजेंड तो यहां पर अमाउंट लिखेंगे सिक्स थाउजेंड बट किंतु परंतु एक चीज जो ध्यान रखनी है वो यहां पर क्या हो गया गड़बड़ क्या हो गई हमारी डेट तीस अप्रैल और ये कहां पर पहुंच गए हम लोग तो अपने को क्या करना पड़ेगा ऑपोजिट साइड पर ये चीज लिखनी पड़ेगी मतलब क्रेडिट साइड पर अब कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको डेबिट साइड पर ही एज इट इज ब्रैकेट में लिख दे ठीक है नेगेटिव साइड के साथ या फिर उसको ऑपोजिट साइड पर लिखे देखो अब जैसे यहां पर दो टेक्निक है कि या तो ये नेगेटिव चला गया क्योंकि उल्टा गए तो या तो डेबिट साइड पर नेगेटिव लिखो या फिर लॉजिकल सी बात है कि डेबिट साइड का नेगेटिव वो क्रेडिट साइड हो गया तो क्रेडिट साइड पर लिखते हो पर क्रेडिट साइड पर क्या करना पड़ेगा ऊपर की चार पांच लाइन ड्रॉप करने के बाद लिखना पड़ता है इतना ध्यान रखना है ठीक है अब दोनों सही है आप प्रोफेशनल कोर्स की बुक्स देखोगे तो आपको ऑपोजिट साइड पर ट्रांसफर किया हुआ मिलेगा हम लोग यहाँ पर जो हमारे एग्जामिनर है उसकी सिस्टम को फॉलो करते हैं और सेम साइड पर बट नेगेटिव में लिखेंगे तो ब्रैकेट में लिखो डेज पर कितने होंगे तो देखो 30 अप्रैल से लेके 10 जून तक आगे निकल गए हैं हम लोग तो 30 अप्रैल तो खत्म मतलब पहली मई से ही कैलकुलेशन होगा तो मई महीने के 31 दिन और 10 जून है तो 31 मई के बाद जून ही महीना आता है 10 कितने हो गए 41 ये कैसा है समझ में आया अप्रैल महीना तो खत्म तीस अप्रैल तक का तो है उसके बाद पहली मे से दस जून तो मे के इकतीस प्लस जून के दस फोर्टी वन माइनस में अब माइनस फोर्टी वन इंटू सिक्स थाउजेंड करोगे तो आंसर माइनस में आएगा कैलकुलेटर पर फोर्टी वन इंटू सिक्स थाउजेंड जो भी अमाउंट आए वो ब्रैकेट में लिखेंगे टू लैख फोर्टी सिक्स थाउजेंड ठीक है अगर कोई ऑपोजिट साइड लिखने की प्रैक्टिस करता है तो वो बिल्कुल भी गलत नहीं है फाइनल आंसर विल रिमेन द सेम उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चलो ये रेड इंक वाला है तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चले कि ये रेड इंक वाला आ गया ट्रांजेक्शन चलिए उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तारा सोल्ड गुड्स टू रॉय तारा सोल्ड गुड्स टू रॉय हम तारा है रॉय को गुड सेल किए क्या बनेगी जर्नल तो रॉय का अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पर टेंथ अप्रैल। और इनवॉइस डेट देखो इनवॉइस डेट दस में हमको दे दिया है तो ये ड्यू डेट है इनवॉइस डेट दिया मतलब ड्यू डेट दे दिया तो पर 10 अप्रैल ट्रांजैक्शन की डेट टू तो सेल्स ड्यू डेट कौन सी डी है एग्जांपल में दिया है 10 मई, अब देखो हमारा अकाउंट करंट तो 30 अप्रैल को खत्म हो जाता है तो उसके बाद मई महीना आया तो मई महीने की पहली तारीख से दसवीं तारीख दस दिन ही हुए एग्जैक्ट पर नेगेटिव हुए तो ब्रैकेट में दस दिन और अमाउंट कितनी है सॉरी थाउजेंड तो यहां पर ट्वेल्व थाउजेंड तो ट्वेल्व थाउजेंड इंटू टेन ऑब्वियसली एक जीरो पीछे लगा देना है बट ब्रैकेट में ये भी अपना रेड इंक वाला आया इसलिए मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं बाकी एक्चुअली मैं उसको ऑपोजिट साइड पर रेड कलर की पेन से लिखा जाता हूं चलिए उसके बाद तारा रिसीव्ड चेक फ्रॉम रॉय तारा को हमको चेक मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रॉय तो रॉय का अकाउंट क्रेडिट हुआ और ध्यान रखना यहां पर पंद्रह में दी है ड्यू डेट लिखा है तो रॉय के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर यहां पर अपने को लिखना होगा बारह अप्रैल बारह अप्रैल हाँ बारह अप्रैल ट्रांजेक्शन डेट बारह अप्रैल बाय बैंक चेक है इसलिए बैंक एंड ड्यू डेट एक्साम्पल में कितनी दी है पंद्रह मे मे है तीस अप्रैल के आगे निकल गए तो अप्रैल के बाद में एक तारीख से पंद्रह तारीख पंद्रह दिन माइनस पंद्रह और ट्रांजैक्शन में अमाउंट कितनी है आठ हजार पांच सौ तो यहां पर आठ हजार पांच सौ इंटू पंद्रह बट नेगेटिव में तो वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बट ब्रैकेट में लिखोगे अभी ये भी अपना रेड इंक हो गया तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं आपको करने की जरूरत नहीं है आपको रेफरेंस के लिए आपको पता चले इसलिए इसके बाद तारा परचेज गुड्स फ्रॉम रॉय तारा ने परचेस किया तो परचेज टू रॉय होगा तो रॉय में क्रेडिट साइड पर 15 अप्रैल बाय परचेस डेट दी है अपने को 15 मई तो यहां पर लिखेंगे 15 मई मतलब ये भी पंद्रह दिन हो गए नेगेटिव में और अमाउंट इसकी है सात हजार रुपए तो सेवन थाउजेंड फिफ्टीन इंटू सेवन थाउजेंड फिफ्टीन सेवन सेवन जीरो फाइव होता है वन लैख फाइव थाउजेंड माइनस में ठीक है ये भी अपना रेडिंग हो गया आगे निकल जाता है और आखिर बिल्स रिसीवेबल ऑफ मार्च मंथ हो गया। टिक करना इसको। टिक करना इसको। तारा के लिए बिल्स रिसिवेबल था जो रॉय के ऊपर ड्रॉ किया था वो डिसऑनर हो गया तो अब तारा फिर से रॉय के पास से पैसा मांगेगी इसके लिए आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाले ट्रांजेक्शन पता होने चाहिए आज से हजारों साल पहले ग्यारह इलेवन स्टैंडर्ड में आया था हुडियो और वचन चिट्ठियों वाड़ प्रकरण उसका भी सुपर रिवीजन वीडियो साहस सॉरी यहाँ साहस की यूट्यूब चैनल पे रखा हुआ है फ्री में देखना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी रॉय अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल डिसऑनर तो रॉय का अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड पर बिल रिसीवेबल डिसऑनर कुछ नहीं है तो ड्यू डेट तो एज इट इज रहेगी इसमें ड्यू डेट नहीं दी है तो 20 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल 30 अप्रैल हमारी एक्चुअल डेट है ये रही तो 10 दिन पॉजिटिव हुए और अमाउंट कितनी है बिल की तो 6000 थाउजेंड इंटू टेन

थ्री लैख थर्टी थाउजेंड माइनस माइनस क्योंकि नेगेटिव क्रेडिट वाला मैं कर रहा हूं प्रोडक्ट का वन लैख ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड माइनस वन लैख थाउजेंड कितना हुआ था अब ध्यान रखना ध्यान रखना इसमें से ये नाइनटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड में से ऊपर की चीजें माइनस करनी है अब सर माइनस में माइनस है तो माइनस का माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये ध्यान रखना है तो नाइनटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस टू लैक फोर्टी सिक्स थाउजेंड प्लस वन लैक ट्वेंटी थाउजेंड माइनस सिक्सटी थाउजेंड कितना आया फोर लैक थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड पॉजिटिव

अभी इसको ऑपोजिट साइड पर एक दिन का इंटरेस्ट ढूंढना पड़ता है तो यहां पर तीस अप्रैल बाय इंटरेस्ट फोर लैख थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू फाइव परसेंट इंटू वन बाय थ्री सिक्सटी फाइव एक दिन का ढूंढना होता है तो फोर लैख थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू फाइव परसेंटेज इंटू वन डिवाइडेड बाय थ्री सिक्सटी फाइव फिफ्टी फाइव पॉइंट टू सेवन तो फिफ्टी फाइव पॉइंट पांच से छोटा है तो पचपन रुपए अमाउंट के कॉलम में और अब हम क्या करेंगे अमाउंट के कॉलम का टोटल करेंगे और जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर तो अमाउंट के कॉलम में क्रेडिट साइड पर इलेवन थाउजेंड प्लस एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्लस सेवन थाउजेंड प्लस फिफ्टी फाइव माइनस अब ये टोटल ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव इसमें से डेबिट साइड की अमाउंट को माइनस करते हैं माइनस सिक्स थाउजेंड माइनस ट्वेल्व थाउजेंड एंड माइनस सिक्स थाउजेंड तो टू ट्रिपल फाइव पच्चीस पचपन दैट इज अवर आंसर लिखेंगे टू बैलेंस कैरी फॉरवर्ड एंड दिस इज अवर आंसर ठीक है हमारा एग्जाम्पल यहां पर हुआ खत्म पूरे चैप्टर का भी रिवीजन यहाँ पर अपना कंप्लीट हो गया सभी की सभी चीजें हमने कवर कर दी है तो यहाँ पर हम लोग हमारे इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट प्रिपरेशन सेशन खत्म करते आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा फिर से एक बार बता देता हूँ आप आपके कोई भी फ्रेंड्स है जिनको आगे की फर्दर स्टडी के लिए साहस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो ऑफलाइन मोड ऑनलाइन लाइव मोड एंड साहस एप्लीकेशन मोड पर एडमिशन ओपन है तीनों ही मोड पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेस्ड ही रहेगा एट द लोवेस्ट फीस तो इसका बेनिफिट आप लोग ले सकते हो गॉड ब्लेस यू ऑल जय हिंद